हेलो, तो देखते हैं कि कल जो मैंने नेचुरल गैस का लाइव मार्केट पे शाम को लगभग 4, 4:30, 5 बजे जो ट्रेड दिया था, जो वीडियो आपने कल का देखा होगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जब मार्केट यहाँ पे कहीं तो भी चल रहा था, यहाँ पे मैंने कल का एक 4, 4:15, 4:30 बजे का एक क्लिप मैंने वीडियो बना के दिया था आपको। ये इस टाइम मार्केट यहाँ पे कहीं तो भी था, और मैंने बोला था कि अगर कल मार्केट, मतलब जो लाइव मार्केट चला तब की मैं बात कर रहा था, कि 173.92 के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, 76 का ऊपर रजिस्टर है, ये भी मैंने आपके उस टाइम पे वीडियो में बात की थी। कल का वीडियो आप देखेंगे तो वो समझ में आएगा। इसके ऊपर आप छोटा बाय करके एक 2-3 रुपये प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन अगर मार्केट 173.90 के नीचे फिसलता है तो नेचुरल गैस श्योर शॉर्ट शॉर्ट करना है, नीचे ही जाएगा, ये बात की थी। और वहाँ से मैंने बोला था कि 65 तक नीचे जा सकता है। तो जैसे आपने मैंने भी वीडियो एक्सप्लेन किया और लॉन्च किया, उसके बाद यहाँ से 173.40, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहीं तो भी वीडियो बनाया, लाइव वीडियो कल का देखना, चेक कर सकते हो आप। तो वापस यहाँ पे जब मार्केट आया था तो इसके बाद मार्केट का यहाँ पे कुछ टाइमिंग था, 173.40 मार्केट ने किया, उसके बाद मार्केट नीचे आते उतरे आते कंटिन्यूस कल का जो सेशन था यहाँ तक कल का सेशन चला है मार्केट का 11 बजे तक, ठीक है। तो लगभग लो कर दिया 166.20, मतलब 73.90, मतलब 74 पकड़ टाइम से, वहाँ से 176 तक आ गया, मतलब 8 रुपये लगभग, 8 रुपये में से 7 रुपये मिनिमम हमने प्रॉफिट बुक करना ही है, और 7 रुपीज़ कल का ही हमारा ये प्रॉफिट बुक हो चुका है। यहाँ से ये पूरा रैली हमने जो कल लाइव में, अब ये लाइव में मार्केट में रुकना कैसे, क्या करना, ये सब चीज़ सीखने के लिए मैंने आपको ये स्विंग फाइंडर का एडवांस ट्रेनिंग डेवलप किया हुआ है। आपको ये एक्यूरेसी समझ में आ जाएगा कैसे होता है, पहली बात। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे मैंने कल का आपको वीडियो दिया दिखाया है, वो तो आपने दिया, उसमें प्रॉफिट भी हुआ 7-8, मतलब हमारा रिस्क था 1 रुपये का, 1200-1500 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं था, और उसका रिवॉर्ड अगर आप बोलेंगे तो 8 रुपये प्रॉफिट हुआ, 7 रुपये भी अगर आपने बुक किया है तो कम से कम 5 रुपये बोलते तो 6000 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और वापस 2500 रुपये पकड़ लो तो कितना हो गया, 8-8500 रुपये आपको सिर्फ 1200-1500 के रिस्क पे, सिर्फ 6 घंटे भी नहीं है। यहाँ से अगर बात करेंगे 4:30-5 बजे के बाद मार्केट जो स्टार्ट हुआ, तो हार्डली 5 या तो 6 घंटा आपको ट्रेड रखना है, आपको 8-8500 रुपये मिनिमम प्रॉफिट ये दिन होने वाला था, ये चीज़ आपको मैंने बता दिया था। अभी हम बात करेंगे जब हम यहाँ पे आज सुबह मार्केट खुल गया, तो ये मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में क्या करना, देखो यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन किया है, तो मैंने बताया था कि क्या करना है। सुबह ही ये लेवल मैंने शेयर किया है, मैं वापस आपको बता देता हूँ कि जो लेवल मैंने शेयर किया वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, कि आज सुबह मैंने बोला है कि भाई मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट सेल करो, 169.68 के नीचे दबा के शॉर्ट करो, 71 के ऊपर अगर आज जाता है नेचुरल गैस 71 के, देखो सुबह ही 11:30 बजे मैंने बोला, 11:20 को बोला कि 171 के ऊपर जाएगा तो ही बाय है नेचुरल गैस में आज, तब तक नेचुरल गैस आज डाउन ट्रेंड में ही है, वो चीज़ मैंने ये सुबह ही बताया था और आपको भी मैं अभी भी बताता हूँ वो कैसे। तो जो कल का कैलकुलेशन हमने ये किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, नया कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ट्रेंड चेंज किया था, ट्रेंड चेंज किया कब से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो ये जो 16 का मैंने डेट दिया 30 और टाइम है 3 PM, मतलब क्या है कि जैसे आपके सामने मैं कल वीडियो बना रहा था, मार्केट ऐसा ऊपर आके 170 समथिंग को सभी हाई कर रहा था, देखो यहाँ पे, ठीक है, 175.90 समथिंग यहाँ पे मैं बोल रहा था, 176 समथिंग का हा रजिस्टर है, वहाँ से मार्केट घूमने वाला, ये मैंने कल की वीडियो में बात की है। तो मार्केट यहाँ पे घूमा 74 के बाद हमने ये प्रॉफिट लिया, तो कल हमने क्या किया होगा, जब मार्केट डाउन में आया होगा तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो वो टाइम और मैं डेट यहाँ पे दिया है, 16 तारीख को मार्केट ने 3 बज के समथिंग को 3 बजे मार्केट हाई बना के नीचे आ रहा था, तो वो लेवल मैंने यहाँ पे दे दिया और मैंने ये डेटा ले लिया। जैसे ही आपने ये डेटा लिया तो आपके सामने ये प्रोसेस आ जाएगा, मैं वापस एक बार करवा के दिखाता हूँ इसको कैलकुलेट करके, तो आपके सामने ये प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा, ओरिजिनल फेज मार्केट का निकल जाएगा, और उसके बाद मार्केट ये है, तो आपको एक देखना है सिंपल सा, ये करंट फेज कैसे निकल, मार्केट नीचे नीचे आएगा, आज सुबह मार्केट आया यहाँ तक, कैसे आया, तो इसका हाई बनाया मार्केट ने 167.96, तो 168 पकड़ लेते सुबह का हाई, तो 168 को बीच में लेके आते हैं, तो आपको करंटली आज का रजिस्टेंस टॉप लॉस क्या है कि वो भी समझ में आ जाएंगे, और कहाँ पे शॉर्ट सेल करना है, कब करना है, वो चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। 168 जो आज मार्केट गैप डाउन होने के बाद जो पहला कैंडल बना था उसका हाई में से बीच में लेके आ रहा हूँ। हर चीज़ का को जो रीज़न है वो ट्रेनिंग जब आप लेंगे तो उसको प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं करना, जो आपके सामने मैं करवा के दिखा रहा हूँ वही चीज़ करना। देखो मैंने यहाँ पे बोला ये लेवल है और एक्चुअल में ट्रेड लगाने का लेवल आपके सामने ये है,
तो ये 169 और 168 के बीच में हमने शॉर्ट सेल करना है और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा जब तक 170.96 से मैंने 71 बोल रहा हूँ। तो जो मैंने सुबह लेवल शेयर किया 11:20 को, वही लेवल आज मार्केट के लिए हमें वर्क करना है। वो चीज़ मैंने आपको लाइव मार्केट पे भी करवा के दिखाया, उसका विथ लॉजिक उसका रीज़न भी आपको मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करवा के दिखाया है। तो मार्केट देखो ऊपर आया, मार्केट ने हाई 168 किया, देखो इस हिसाब से आप यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट करें तो आप जल्दी कर लेंगे। तो मार्केट को टाइम करना है, आपके पास ऑलरेडी लेवल है तो आप रुक सकते हो, जब मार्केट आपके रेंज में आ जाएगा तो आप वहाँ पे शॉर्ट करो तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको वो टाइम नहीं है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन देता, जैसे ये कैंडल ओपन हो जाने के बाद फिर क्या करना कैसे करना वो चीज़ ट्रेनिंग में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये रेंज में आपको शॉर्ट सेल करना, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मार्केट ने 164.70 का लो किया हुआ है, अभी भी मार्केट नीचे बहुत जा सकता, अभी जाने का स्टार्ट किया है। मैं आपको रिपीट करता हूँ, अभी भी जो अगर लाइव मार्केट को ये अगर नेचुरल गैस को देखेंगे तो अभी जाना स्टार्ट किया है। आगे अगर आप बात करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से वापस मार्केट कम से कम 5 रुपया और आप डाउन पकड़ के चलो 160 आज आपको मिल जाएगा। तो जो हमने 168 को शॉर्ट सेल किया आज वापस आपको 1 या 1.5 रुपये का टॉप लॉस, 3-2.5 रुपये का टॉप लॉस रहेगा आज, क्योंकि हमने ये पूरा रैली कल की प्रॉफिट में ले लिया है। तो ये रैली कंटिन्यूस चल रहा है, अगर कोई नया कैलकुलेशन करना है तो कैसे करना वो ट्रेनिंग में मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ। तो इस सबसे यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस आया हुआ, तो आपको यहाँ पे वापस 160 के लिए प्ले करना है नेचुरल गैस को, तो वहाँ तक आपको शाम तक 10 बजे तक आराम से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे, और डिटेल में और अंडरस्टैंडिंग करना है, कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतरना है, तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक बार ट्रेनिंग कोर्स लेंगे तो लाइफ में आपको वापस स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए इधर उधर कहीं तो भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पे बैठ के किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, ये न्यूज़ क्या है, वो सब कुछ देखो जो भी होगा हर चीज़ का इफेक्ट मार्केट पे होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो इफेक्ट क्या होगा वो ही तो कैलकुलेट करते आना चाहिए ना। नहीं तो हम न्यूज़ तो सुन लेते हैं, कंटेंट आ जाता है, लेकिन उसको मार्केट रिएक्शन कैसे देने वाला वो अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो वो जो मार्केट में एक्शन होने वाला है बाय या तो सेल के, तो अल्टीमेटली एक्शन होगा आपका, कि अगर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी न्यूज़ आएगा तो अल्टीमेटली लोग या तो बाइंग करेंगे या तो सेलिंग करेंगे उस चीज़ को, या तो बेच देंगे डर के, या तो ऊपर जाने वाला ऐसा लगेगा तो इन्वेस्ट करके बाय करेंगे, खरीदी करेंगे और ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ का जो सिनेरियो मार्केट है वो कैसे ले रहा है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना रहता, वो जो मार्केट में होता है वो चीज़ हम ये स्विंग फंडर में कर लेते हैं। ये सब कुछ चीज़ आपको ट्रेंड एग्जैक्टली मार्केट ट्रेंड कब शिफ्ट होगा वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, स्विंग समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से मार्केट में प्ले कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रेनिंग लेना है तो जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे लाइव मार्केट पे दिखा रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे मैंने एडवांटेज देखे रखे हुए आपको ये 80% रैली जैसे आपने कल भी देखा होगा कि कवर हो चुका है। तो जिनको ट्रेनिंग लेना ये कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे लाइव मार्केट पे दिखा ऐसे जैसे मैं नेचुरल गैस का दिखा रहा हूँ वैसे आपको क्रूड ऑयल या तो और कोई दूसरा स्टॉक है कोई कमोडिटी मार्केट में जो भी आपका जिंक है एल्यूमिनियम निकल है, या तो सपोज आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में सपोज NSE BSE में कोई स्क्रिप्ट है जिसमें आपको उसका एक्यूरेसी चेक करना है, तो आपका पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें आपको चाहिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लाइव में आपको मार्केट जब चल रहा है तब जैसे मैं आपको लाइव का ट्रेड निकाल के बता के दिखा रहा हूँ, वैसे आप उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अगर देखना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, कैसे मार्केट में आपको काम करना है, उसके लिए क्या एनालिसिस करना है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करवा सकते हैं। इसके लिए 1-to-1 लाइव मार्केट का अगर आपको 10-15 मिनट का डेमो चाहिए वो ले सकते हो, कैसे होता है, कैसे वर्किंग होता है, स्विंग फंडर कैसे परफॉर्म करता है, मतलब आप फिर आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। इस हिसाब से आपको अगर करना है तो लाइव मार्केट का डेमो भी अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लाइव मार्केट का डेमो इसक्यू तो आपको जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिसमें आपको अच्छा लगता है काम करने के लिए, जो आपका फेवरेट स्क्रिप्ट है उसमें अपना परफॉर्म कैसे वर्क होता है वो चेक करने के लिए आपको एक 15-20 मिनट आपके लिए डेमोस्ट्रेशन अरेंज करवा सकते हैं। तो अभी के लिए आपका लेवल मैंने आपको निकाल के दिया हुआ है, मार्केट ऑलरेडी डाउन में है, मैंने इसे 160 तक बोला भी है, और ये जो मार्केट ऊपर आया तो आपके सामने यहाँ पे ये शॉर्ट सेल हुआ है। देखो वापस मार्केट ने नया लो किया अभी भी, ठीक है, हम जो बात करते मार्केट ने नया लो भी कर रहा है, मार्केट जा रहा है, जाएगा मार्केट और नीचे जाएगा और 4 रुपये तो मिनिमम नीचे जाएगा ही जाएगा मार्केट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये मार्केट को देखना होता है। ओके, थैंक यू सो मच।